हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस। तो आप लोग जितने भी सारे सीटी एस्पिरेंट्स हो, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना पोर्टल चेक नहीं किया तो फटाफट से जाइए और पोर्टल चेक कर लीजिए। कल आप लोगों का जितने मतलब आप लोगों का इन द सेंस कि 15 मार्च को जितने भी स्टूडेंट्स का, स्पेशली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है, तो आपका शिफ्ट जो है सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में होने वाला है। तो आप लोगों का ये टेंशन था कि एडमिट कार्ड कब तक मिलेगी हमें, तो एडमिट कार्ड आ चुका है। ये देख पा रहे हो आप 11 मार्च के नोटिस है, जिसमें रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द कमोन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT PG 2024। दैट मीन्स ये जो 14th and 15th of March को दिस पब्लिक नोटिस नाउ बिंग रिलीज फॉर द कैंडिडेट्स हुज एग्जाम इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 14th and 15th March 2024, को जिसका भी एग्जाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड जो है आपको इस लिंक के थ्रू जाके मिल सकता है और लिंक के थ्रू जाके मिलेगा। सो एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन द 15th or 14th March आर होस्टेड ऑन दिस। ठीक है तो इसमें और क्या चीजें हैं, एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट हुज एग्जामिनेशन आर स्केड्यूल्ड ऑन लेटर डेट्स बियॉन्ड 14th and 15th of March विल ऑल्सो बी अपडेटेड एंड रिलीज्ड सब्सिक्वेंटली। तो दैट मीन्स 15 के बाद जिसका होगा उसका रिलीज बाद में होगा, तो वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। हमारे लिए ये कंसर्न है कि 15 मार्च को हमारा एग्जाम है और हमारा एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड को फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लेना है ना। ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे ये चीज को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सेट वेबसाइट यूजिंग द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। तो आपको डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है वो लेना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो आपको वहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन कंटेंट देयर इन केयरफुली। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देने पड़ेगा और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो एडमिट कार्ड इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो जिसका एलिजिबल, जो लोग एलिजिबल है उनका ही एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, जो एलिजिबल नहीं है उनका एडमिट कार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो एडमिट कार्ड इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जिन्होंने फुलफिल किया है उन लोग का एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड शुड बी म्यूटिलेट सॉरी एडमिट कार्ड शुड कैंडिडेट शुड नॉट म्यूटिलेट द एडमिट कार्ड और चेंज एनी एंट्री मेड देयर इन। एडमिट कार्ड के अंदर कोई भी चेंजेस आप नहीं करना। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड हाउएवर शैल नॉट नेसेसरली मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी विच शैल बी फर्दर स्क्रूटिनाइज एट सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। दैट मीन्स एडमिट कार्ड मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिल गया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व द कॉपी ऑफ देयर एडमिट कार्ड इन द गुड कंडीशन। दिस इज द मेन पार्ट, गुड कंडीशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो एडमिट कार्ड को जरूर आप लोग अच्छे से रख लेना, जो भी है अच्छे से रख लेना। और अगर आप इस वेबसाइट में जाओगे वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड करके, उसमें क्लिक करना आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ, ये दे के आप डाउनलोड कर सकते हो। वो डाउनलोड करके एक बार कमेंट बॉक्स से बता देना कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो बाद में यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज गो एंड डाउनलोड द एडमिट कार्ड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।